अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दो दिन का भारत दौरा अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम से शुरू हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप जब अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कश्मिरोर के साथ अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे तो पीएम मोदी उनके स्वागत के लिए खुद मौजूद थे। साबरमती आश्रम वाज द 385 किलोमीटर सॉल्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दो दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेलानिया ट्रंप के साथ चरखे पर सूत काता, लेकिन विजिटर बुक में एक गड़बड़ी कर बैठे। परंपरा के मुताबिक गांधी आश्रम में जब कोई हस्ती पहुंचती है तो विजिटर्स बुक में महात्मा गांधी के बारे में दो शब्द जरूर लिखती है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महात्मा गांधी की बजाय पीएम नरेंद्र मोदी के लिए संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, मेरे महान दोस्त पीएम मोदी का इस शानदार यात्रा के लिए शुक्रिया। इसके बाद ट्रंप और मोदी मोटेरा स्टेडियम पहुंचे, जो खचाखच भरा हुआ था। यहां ट्रंप ने भारतीय लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आप भारत में रहते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को शानदार मेजबानी के लिए शुक्रिया भी कहा। शाम को प्रेसिडेंट ट्रंप आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे। वो देर तक अपने परिवार के साथ ताजमहल को निहारते रहे। उन्होंने कहा कि ताजमहल को देखकर वो चकित हैं और यह प्रेरित करने वाली धरोहर है। The interests of their own citizens first, we can forge strong and fair partnerships to build a safer and more prosperous world. Just months ago, this critical partnership took a major step forward when the U.S. military and your brave Indian Armed Forces conducted the first ever air, land, and sea military exercises between our two countries. It was something to behold. We called it Tiger Triumph. As we continue to build our defense cooperation, the United States looks forward to providing India with some of the best and most feared military equipment on the planet. We make the greatest weapons ever made: airplanes, missiles, rockets, ships. We make the best, and we're dealing now with India. But this includes advanced air defense systems and armed and unarmed aerial vehicles. रीच डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी और यूनिटी की वाइब्रेंसी भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ते का बहुत बड़ा आधार है। एक लैंड ऑफ द फ्री है तो दूसरा पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। एक को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर गर्व है तो दूसरे को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का गौरव है। देयर इज सो मच दैट वी शेयर, शेयर्ड वैल्यूज एंड आइडियल्स, shared spirit of enterprise and innovation.